नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबको पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आभार कि आप नामांकन ले और आज ताई अगर हर गांव डाणी के मायने आपके बीच आने को मौको मिलियो, आप नामांकन ले और आज ताई हमेशा आशीर्वाद आपका बेटा आपका छोटा भाई नारायण मत रखियो। और मैं भी बहुत प्रयास करियो कि व्यक्तिगत तौर माते जाए और एक एक डाणी गांव जाए पर आपके बीच वोट की अपील करा। और खींवसर विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबो चौड़ो क्षेत्र है, हो सके कई जगह पहुंची जो नहीं है तो इन सब ने व्यक्तिगत उपस्थिति समझ पड़ी और आपने प्रत्येक व्यक्ति ने नारायण बेनीवाल बनपरो और पूरे मत को आपने सब लोगों वोट मांगना है। और मैं आपको निवेदन करूं और आप 11 साल में हनुमान जी के साथ हमेशा कंधा कंधा मिलाए चलिया, पर भैया 42-43 साल में आप लोग मां का परिवार माते हमेशा बहुत ही कृपा बनावड़ी राखी। 2 बार हमारा पिताजी ने एमएलए बनाया, 3 बार हनुमान जी ने बनाया और अब के एमपी का चुनाव के मायने आप खूब बड़ो वोट और बहुत आशीर्वाद दे पर और आने देश की सब बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजा और अब के तो आप इतना वोट दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जड़ी एक छोटी पार्टी के छोटो पौधो बिन देश के मायने परमानेंट मान्यता मिल गई। इस सबको धन्यवाद मैं आप सब लोगों ने दू, समय को थोड़ा अभाव है और मैं आप सब वोट की अपील करूं कि 21 तारीख का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी का तौर मत है, मैं आपके पीछे वोट की अपील करने हाजिर हुई हूं। आप सबने मैं हाथ जोड़ अपील करूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट आपका बेटा आपका छोटा भाई नारायण बेनीवाल ने दिलाए और मन आशीर्वाद दीजिए ताकि आप सबकी सेवा करने को मौका मन मिले। वो मैं आप निवेदन करूं और इतना दिन आप लोग गांव गांव डाणी डाणी जो मन मान सम्मान दियो वास्ते मैं आप लोगों ने भरोसा दिलाना चाहूं कि आप लोगों को मान सम्मान राजस्थान के मायने और ऊंचो ले जाऊं मैं और मैं हमेशा इनके वास्ते प्रयास करा और आप सब लोग मिल और खींवसर विधानसभा ने एक मॉडल विधानसभा का रूप में विकसित करा। 36 कौम का लोग एक राज्य मारे बैठ और आप इनका विकास करा। और आखिर में यहाँ श्रद्धा के साथ मैं हमारी वाणी ने विराम देऊं कि बिन पुकारे आप हमें साथ पाओगे, बिन पुकारे आप हमें साथ पाओगे, आपसे किया हरेक वादा बखूबी हम निभाएंगे, देना आशीष हमें बेटा और छोटा भाई समझकर ये कर्ज आपका हम सूद सहित चुकाएंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद।